आपने सोचा था गाना लॉन्च करने के पहले और म्यूजिक लेबल जो लॉन्च किया उसके बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस। देखिए पहले तो आप लोग का शुक्रिया, आप लोग आए। और दूसरी बात है कि हमने एक ही गाना लॉन्च किया है और हमने अभी 10 गाना शूट करके रखा है, बैक टू बैक आने वाला है। और आज ही सुबह मॉर्निंग में एक गाना हमने लॉन्च किया है। मेरा थीम देखिए, भोजपुरी में बहुत सारे हमने गाना सुनते हैं, आप लोग सुनते हो, जिस तरह का म्यूजिक होती है भोजपुरी में एक ही तरह का म्यूजिक होती है, तो हमने थोड़ा सा उसको अलग किया है। हमारा जो भी गाना का म्यूजिक होगा भोजपुरी जैसा उस तरह का नहीं होगा कि एकदम से ढोल ढोल बजाएगा और एक ही तरह का होगा। और म्यूजिक भी जो हम लोग लिरिक्स तो हम लोग तैयार कर रहे हैं वो भी भोजपुरी से थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। और मतलब इस तरह का हमने अलग एक कॉन्सेप्ट लाया कि भोजपुरी में नया कॉन्सेप्ट। सब लोग बोलते थे कि भोजपुरी में भोजपुरी जैसा चल रहा है वैसे ही देना पड़ेगा तो मार्केट में बना रहेगा, नहीं तो ये गाना फ्लॉप हो जाएगा। तो हमने एक रिस्क लिया है कि हम एक नया तरीका का गाना, नया तरीका का जो लिरिक्स और म्यूज़िक हमने मार्केट में भोजपुरी को देना चाहते हैं कि भोजपुरी मार्केट भी जैसे बंगाली सॉन्ग है, जैसे पाकिस्तानी सॉन्ग है, जैसे हिंदी सॉन्ग है, ऐसा उसका मिक्सन लेके हम लोग भोजपुरी में आ रहा है कि अगर हम अगर देखते हैं कि भोजपुरी दर्शक हमारा ये सॉन्ग पब्लिक एक्सेप्ट करती कि नहीं करते, अगर नहीं करते फिर हम लोग भोजपुरी लेके आएंगे ऑफिस से, फिर भोजपुरी का वही टेस्ट लेके आ जाएंगे। तो अब तक इसका ये कहना है कि भोजपुरी तो बना रहे हैं लेकिन भोजपुरी नहीं बना रहे, भोजपुरी नहीं बना रहे, फिर भोजपुरी। मैं ये जानना चाहता हूँ उसको रात में दारू पी के आया हस्बैंड ने तो कमर में उसको मतलब मारा है, तो जब कमर में मारते तो उसको दर्द होता है ना भाई, उसका हमारा कोई वर्गलिटी नहीं है। जब आप वीडियो देखोगे तो वर्गलिटी नहीं है, जैसा लड़की बोलता है, गाँव में लड़की आते है, शहर का लड़की आता है, जब आती है लड़के लोग छेड़ते तब वो लड़की बोलता है मैं बारूद का गोला हूँ, हमारे फिगर बारूद का गोला है, ऐसा गाना है, कोई वर्गलिटी नहीं है उसमें। सारे गाने में आपको सिर्फ डांस दिखेगा। हाँ गाना देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। टाइटल तो देखिए, टाइटल में आप मारे लोग खड़े खड़े आप बोलोगे तो आप लोग समझोगे, हम बोले कि आप लोग समझो कि आप लोग दिमाग में जैसा हम लोग फिल्म देखते उसके अंदर खराब चीज़ भी लेते हैं और अच्छा चीज़ भी लेते हैं, बहुत लोग खराब चीज़ को लेते हैं, लेकिन आप लोग अगर सोचोगे ये मारे लोग खड़े खड़े क्या है, कोई गलत सोचेगा कोई अच्छा सोचेगा, तो हमारा टाइटल इसी सब से हमने रखा है कि हम लोग दर्शकों के ऊपर सोचा कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि भोजपुरी में आप कोई भी टाइटल रखो हर टाइटल को डबल मीनिंग में लेते हैं, खड़े खड़े क्या कुछ भी लिखो, साफ सुथरा भी लिखोगे ना उसको भी डबल मीनिंग मिलेंगे। अभी हम लोग लिखा गाना, अभी तो गाना समझ में आएगा हमारा चुइंगम वाला गाना, मैं चुइंगम बन जाऊंगी, ये भी आप लोग कुछ गलत ले सकते हो। चूसो राजा है लोग, क्या चूसो है भाई, चुइंगम खाएगा तो चूसो ही राजा रहेगा ना, दूसरा कुछ रहेगा नहीं, तो चुइंगम खाएगा तो चूसना पड़ेगा ना, आगे नहीं। अभी हमने जो चमेली बनाया, मैं चमेली बाई, अभी उसमें एक अंतरा, लास्ट का अंतरा में क्या है कि मैं गोरी हूँ और मेरा दाम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब वो मीनिंग भोजपुरी मीनिंग वही है ना, तो आप अभी क्या सोचोगे वो कौन है, उसका दाम क्या, वो नर्तकी है भाई, चमेली बाई है, बाई मतलब नाचते, नाचने वाली है, नाचने वाली का पैसा ज़्यादा है, अब वो तुम लोग उसको गलत लोगे तो क्या कर सकते हैं। अच्छा शिवाजी, ये जो पवन और केसारी है, अब जो हिंदी सॉन्ग्स कर रहे हैं, तो आप लोग भोजपुरी की तरफ क्यों जा रहे हैं, आप लोगों ने सोचा नहीं कि हिंदी नहीं, उन लोग तो मतलब पवन और खेसारी को सुन सुन के लोग पक गया, ठीक है, कितना सुनेगा, एक रिक्शा वालों को हमने सर्वे किया था गाना चैनल लॉन्च करने से पहले कि आप लोग किसका गाना सुनना चाहते हो, पवन का खेसारी का किसका, भले आज भी फॉलोअर्स है उनका फुल फॉलोअर हम नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं जब भी हम भोजपुरी गाना सुनते हैं पवन खेसारी या तो दूसरा ये कल्लू आएगा तो कोई आएगा, लेकिन नया कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमने एक सर्वे किया था, हर एक रिक्शा वाला से ठेला वाला से सर्वे करके हमारा टीम सर्वे किया था, तभी जाके हमने बोला कि अगर नया चीज़ दो, एक रिक्शा वालों को मालूम पड़े नया चीज़ आया, नया सिंगर है मतलब नया गाना है, नया तरीके का गाना है तो सुनेगा, हमने आर्टिस्ट भी वैसे ही ले रहा हूँ, मार्केट का कोई आर्टिस्ट नहीं ले रहा हूँ, कि हमने अगर
अगर समझो कोई अम्रपाली पहले किसी ने तो लॉन्च किया होगा, शिल्पी राज को किसी ने तो लॉन्च किया होगा। अगर हम मार्केट में किसी को लॉन्च ही नहीं करूँगा तो उसी को रिपीट करूँगा जो मार्केट में चल रहा है, तो बाकी सिंगर कैसे आएगा मार्केट में, बाकी आर्टिस्ट कैसे आएगा मार्केट में। तो इसलिए हमने नया तरीका हमने कॉन्सेप्ट किया हूँ। हमारा जो CMS वाला आज आया नहीं है, वो अभी बिहार में है, उनको बोला गया, उन्होंने बोला गया हमारे को कि जिससे आप गाओगे वही जो सिंगर रहेगा वही एक ही सिंगर से आप गाना गवाते रहो, क्योंकि हमने वही सबसे मार्केटिंग करूँगा। तो हमारा यही शिल्पी है, हमारा भी शिल्पी है भाई, ये सोनी शिल्पी है, सोनी का शिल्पी है भाई। क्या बात है। जो गाना आपने सुना दोनों गाना, हमने अभी तक शिल्पी से कम हमने अभी 9 गाना गवा चुका है, 9 गाना रिकॉर्ड हो चुका है, अभी कम से कम 400 गाना गाएगी हमारा कंपनी के लिए। सर देखिए, हम जो भी जिम्मेदारी लेंगे उसको करके देंगे, ये हमको कुछ समझ के ही बोले हैं कि गाना गाने के लिए, तो हम जरूर गाएंगे। ठीक है, बस सर का आशीर्वाद दे, आप लोग का आशीर्वाद दे तो सब होगा। बस दो लाइन हो जाए। चुंगम वाला में चुंगम से गालो, चुंगम से कहबा तो बनी जाइबे हो कह सिंघम, कहबा तो बनी जाइ चुंगम कर जाऊ। उसके बाद क्या था मैं तो सॉरी अभी गाना याद नहीं आ रहा क्या ये तो कोई बात नहीं। मैं गाना चाहता हूं शिल्पी, आई ऑलरेडी एक शिल्पी है, दूसरी शिल्पी को पता चलेगा मेरे टक्कर देने के लिए दूसरी शिल्पी आ गई, तो आप डर घबराहट में भी लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं सोनी शिल्पी हूं, वो शिल्पी है जी। बोल बड़ा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये चिंगम वाले में ही आगे का अंतर है वो वाला मजा, यहाँ पे किसने किसने चिंगम नहीं खाया है? सब खाया है। तो चिंगम जब खाते हो पहले बार चिबाते हो तो उसमें कैसा मजा आता है, मिठास आता है ना। तो जब चिंगम की बात आ रही तो वही वाला मजा है, अभी भोजपुरी वाले समझ गए कोई और मजा। तो क्या होता है जब हम पहले ही चिंगम बोल दिए हैं, खा रही है चिंगम के बारे में बोल रही है, तो चिंगम का ही टेस्ट आएगा ना, चाहे वो चुंगम का टेस्ट आए या चिलगम का टेस्ट आए, यूपी बिहार में इसको बोलते हैं चिलगम। तो हमने चुनगम इसलिए रखा है कि सब लोग समझ सके इसको कि चिलगम और चुनगम एक ही चीज है, तो चुनगम खाने के बाद ही उसका टेस्ट हमारा। और एक पोस्टर लगा हुआ किधर, काला चांद, ठीक है। अभी काला चांद में क्या निकालोगे बताओ, मेरे लिए बनाया। वो लड़की बोलता है तू ही है हमारे काला चांद, ठीक है। तो संजय ने वो गाना भी शूट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। वो गाना मेरा चैनल का सबसे बड़ा गाना है, इससे भी बड़ा गाना है, ये भी गाई है शिल्पी नहीं है, और बहुत अच्छा गाई है, डुअल गाना है, और इतना अच्छा शूट हुआ ना वो गाना, जिस दिन रिलीज होगा आप लोग का, मतलब वो गाना से रील बनेगा, रील के लिए वो गाना बनाया, पूरा का पूरा गाना टेस्ट अलग है वो पूरा। और मेरा जितना भी गाना सुनोगे, एक गाना सुनोगे दूसरे गाना के साथ मैच नहीं करेगा, उसका अलग होगा, फिर दूसरा सुनोगे दूसरा अलग होगा, तीसरा सुनोगे तीसरा अलग होगा, हर एक चीज़ होगा। अभी मैं गाउट 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 गाउठन के हिसाब से क्या बोलते हैं देहाती, कहाँ किया वो, ये कहाँ गए सुमन देहाती, वो जो गाना है क्या है वो जो पंडित का, पंडित वाला मेरी बीवी भाग गई क्या है वो, पंडित वाला गाना, हाँ वो कौन सा जी है बाबा कहाँ भागलमर में है। हाँ जरा सुना ही स्वयं भाई, और गाना वो नहीं गाना नहीं नाच वाला हमारा हस्बैंड और घड़ी नाच नाचेला गोड़ो नाच। हाँ गोड़ो नाच, अभी गोड़ो नाच का नाम आप लोगों ने सुना है, सुना है ना, यूपी में है, लेकिन ज्यादातर राजस्थान तो ये सब हम लोगों ने सब कल्चर को भी लिया हुआ है, मतलब इसके बाद वो सब गाने सवार हैं। कल्चर से मैं पूछना चाहूंगा, मुझे गाने अच्छे लगे ठीक है, और अब ट्रेंड भी चेंज कर रहे हैं, जो भोजपुरी में जो शूट होता है वो स्टूडियो में होता है, मुझे लग रहा था आप लोग ऑन लोकेशन जैसे आउट खेत खरियान दिखाने वाले थे, तो ऐसा कुछ खेत खरियान वाला गाना जो भी बनाया है ना वो शूट करना बाकी है, अभी सबका सब खेत खरियान वाला, पूरे गांव में जाएंगे, झोपड़े में जाएंगे, खेत में शूट करेंगे, वो जो शूट कर रहे हैं वो खेत का गाना है, हमने खेत का नहीं, हमने एक हस्बैंड वाइफ का गाना बनाया जिसमें लाल चुंद घुमटा, लाल घुमटा, हाँ लाल घुमटा उठा के, तो घुमटा उठा के जो टाइटल आप देखा रहेगा ये वाला गाना, अगर आप भोजपुरी में शूट करता ना
अगर भोजपुरी वाले शूट करते तो क्या सीधा बैटमैन असुला के वो लाल चुंदी करता। लेकिन हमने इतना क्लीन शूट किया उसका, खाली शूट देखो उसका, उसका हमारा शूट देखना, उसके बाद हमारा जब गाना लॉन्च होगा उसके बाद वो गाना देखना, उसके बाद बोलना कि हमने कोई वल्गैरिटी लिया कि नहीं लिया। भोजपुरी का गाना वो 100 मिलियन 200 मिलियन जाता है, वो गाना का एक बोल बोलूंगा तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ पंडित क्या बोलता है पंडित जी, ऐसा कब ताबीज बना दो मेरा सैया को बढ़ जाए। आगे का नहीं बोल सकता, मैं खुद नहीं बोल सकता हूँ, समझे ना। तो उस तरह का ट्रेंड को बदलना है। हाँ तो आप जब जब देखिए जब एक चीज में आप घुसोगे तो उस चीज को एनालाइज करना चाहिए, उसमें पूरा घुस जाना चाहिए, पूरा दुनिया मतलब खाली पवन खेसारी नहीं, छोटे छोटे चैनल को भी देखना चाहिए कि भाई वो लोग किस तरह का गाना बनाता है। क्या बात है। हमने अभी एक बात बोलता हूँ आपको, जो दो गाना सुने ना, एक बांग्लादेश का गाना है और एक जो चमेली सुना ना वो पाकिस्तान का गाना है, बड़ा गाना। तो उसमें से हमने खाली थोड़ा सा एक थीम लिया खाली, और कुछ नहीं लिया। अगर वो बांग्लादेश का गाना आप सुनोगे बोलोगे वही है चुविंगम वाला, और अगर चमेली सुनोगे वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा गाना है, तो वहाँ से लेता। हम लोग एक कॉन्सेप्ट उठाते कि देखते कि हर एक भाषा का करके कॉन्सेप्ट करके एक भोजपुरी को देता हूँ कि भोजपुरी लोग खुश हो जाए कि भाई आजकल वो भी शिवम भाई यही भी चल रहा है, कौन सा लैंग्वेज का एक अभी चल रहा है भोजपुरी, मगही। हम लोग मगही में भी गाना बनाने वाला है आगे, मगही भाषा में। अशोक सर क्या भोजपुरी गाने इस म्यूजिक चैनल से बनेंगे या और भी लैंग्वेजेस में आप लोग गाने बनाने? नहीं, ये हम लोग का कैसे पढ़ लिखा, हम लोग का एक चीज है, हम लोग पहले हम लोग का तीन भाषा में हम लोग चैनल लॉन्च करने वाले हैं। अभी भोजपुरी के बाद एक मतलब भोजपुरी जैसे हमारा 6 महीने हो जाएगा, 6 मंथ के बाद हम लोग बंगाली चैनल खोलने वाला है, उसके बाद मराठी चैनल लगा। ये तीन भाषा में हम लोग का चैनल होगा, तीनों रीजनल ही होगा, तीनों रीजनल। सर आप मीडिया से आप म्यूजिक इंडस्ट्री में आप आ रहे हो, नया जिम्मेदारी के साथ आ रहे हो, आपके साथ कितने लोग टीम है, नया टैलेंट सब जुड़ना चाहते हैं, नए लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, नए टैलेंट सब जुड़ना चाहते हैं, किस तरह नए लोगों को मौका दीजिए आपसे जुड़ना चाहते हैं? हमारा देखिए भाई पहले ही बोला कि मेरा सब सिंगर नया है, मेरा मेल सिंगर नया है, फीमेल सिंगर नया है, और मेरा म्यूजिक डायरेक्टर तो बड़ा है, उन लोग तो बड़े काम किए, शुभम भाई है। हाँ शुभम भाई ज़्यादातर गाना मेरा कर रहा है, और ये मेरा जो टीम जो बनाया हमने एक टीम वर्क बनाया, वही टीम काम करेगा, हम टीम नहीं चेंज करेंगे, बट टेक्नीशियंस हाँ सिंगर चेंज होंगे। अगर नया सिंगर मेरे पास आए, अगर शिल्पी जैसा है उसको भी चांस देंगे। क्या बात है, अगर आपसे जुड़ना चाहें किस तरह आपको संपर्क किया जाए? हमारा तो अभी चैनल पे हम लोग नंबर नहीं डाले हैं, लेकिन अभी हम लोग चैनल पे नंबर डालेंगे, लोग कॉल करके आ सकते हैं डायरेक्ट, मार्केटिंग टीम का है, और अपना टैलेंट दिखा सकते हैं उनको, हम लोग 100% लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।